फूलल सा तोप मेकर्स पर मुंडेरा गाने की चोरी का आरोप। कुछ ही हफ्ते पहले टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी की फिल्म बागी का गाना मुंडेरा रिलीज किया गया। यह इतना हिट हुआ कि फिल्म रिलीज से पहले ही गाना पार्टियों की शान बन चुका है। हालांकि अब इस गाने की वजह से फिल्म मेकर्स मुश्किल में फंस गए हैं। गीतकार चरणजीत सिंह माकड़ ने फिल्म बागी के डायरेक्टर अहमद खान, म्यूजिक लेबल टी सीरीज गीतकार जिन्नी दीवान, म्यूजिक कंपोजर संदीप शिरोडकर, प्लेबैक गायक नवराज, हंस पलक मोछल और टाइगर श्रॉफ को लीगल नोटिस भेजा गया है। साथ ही 5 करोड़ रुपए की मांग भी की है। बागी का गाना मुंडेरा साल 1996 में इसी नाम से आए पंजाबी गायक लव जांजुआ के गाने का नया वर्जन है। इस गाने को चरणजीत सिंह माकड़ ने लिखा था। चरणजीत सिंह का आरोप है कि फिल्म बागी के मेकर्स ने गाने का रीमिक्स बनाने से पहले ना तो उनकी रजामंदी ली ना ही उन्हें इसके एवज में रॉयल्टी दी। आइटम नंबर 1, 2, 3 को लेकर फिल्म बागी के मेकर्स की आलोचना हो रही है। जैकलिन फर्नांडीज पर फिल्माए गए इस गाने की तुलना साल 1988 में आई फिल्म तेजाब के गाने से हो रही है, जिसमें माधुरी दीक्षित ने ठुमके लगाए थे। जैकलिन का यह गाना माधुरी के गाने का ही रीमेक वर्जन है। अब फिल्म तेजाब के डायरेक्टर एम चंद्रा और ओरिजिनल गाने को कोरियोग्राफ करने वाली सरोज खान ने बागी के मेकर्स के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का फैसला किया है। 3 तेलुगु फिल्म की है रीमेक फिल्म बागी के सिर्फ गाने ही नहीं पूरी की पूरी कहानी ही कॉपी की गई है। टाइगर श्रॉफ की यह फिल्म तेलुगु फिल्म क्षणम की रीमेक है, मगर फिल्म बागी के ट्रेलर में इसे क्रेडिट नहीं दिया गया। इससे फिल्म क्षणम के निर्देशक काफी निराश हुए। वैसे तो लोगों ने फिल्म बागी के गाने और साथी रे की खूब तारीफ की, मगर इसके गायक आतिफ असलम के नाम का जिक्र नहीं करने पर फिल्म के निर्माताओं की आलोचना की जा रही है। फिल्म बागी के पोस्टर्स और ट्रेलर देखने के बाद कई लोगों ने कहा कि हीरो टाइगर श्रॉफ के लुक्स और एक्शन सीन्स को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि वे हॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म सीरीज रैम्बो देख रहे हैं।